कल के जो बच्चे हैं आज जो देश है या समाज के नागरिक बनने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिसको कहते हैं, यू नो, कि आज वोट कर सकते हैं वो और गवर्नमेंट जो है निर्माण कर सकते हैं इन डेमोक्रेसी, तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट दे हैव टू बिकम वाइज एज अर्ली एज पॉसिबल, विजडम, जितने जल्दी हो सके उन्हें विजडम प्राप्त करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बीइंग वाइज हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग केयरिंग, इट मेक्स यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग केयरफुल, इट मेक्स यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ, और इट मेक्स यू अंडरस्टैंड द रिपरकशंस, कि नुकसान क्या होता है ऑफ बीइंग केयरलेस. तो हर चीज का अपना एक जो है इंपैक्ट होता है मेरे लाइफ में, बीइंग केयरिंग, बीइंग केयरफुल, बीइंग केयरलेस. और कभी कभी ईच वन ऑफ दिस हैज एन इंपैक्ट. लेट्स से यू आर टू केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, टू केयरफुल मतलब आप अपने शेल्टर्ड सिचुएशन में से बाहर निकलते ही नहीं हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं हो. यू डू नॉट टेक रिस्क, बिकॉज रिस्क बेसिकली मीन्स मॉनिटर्ड और वेल थॉट केयरलेसनेस, दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्क, है कि नहीं? अगर कोई खाई है और आप उसको यू जंप अक्रॉस दैट डिच, सो शुड यू कॉल इट केयरलेसनेस और शुड यू कॉल इट यू नो अ वेल थॉट आउट step going forward. It depends क्या होता है, कैसे आपने सोचा उसके बारे में. तो ऐसा नहीं कह सकते carelessness is to be given up, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि you should be always very caring, ऐसा नहीं कह सकते कि you should always be very careful. Nonetheless, being careful and being caring has a deeper meaning, and being careless is something that we should avoid. As a generic principle, isko avoid karna chahiye. So try and be wise. Theek hai na? Always be very, very open to suggestions. That is another part of this. Always be very open to both success and failure in life. Be a seeker, be somebody who can understand problems, who can who has the courage to face obstacles, and have the ability to find solutions or to find ways how you can get through those obstacles. तो जितने जल्दी आप वाइज हो जाओगे ना उतना अच्छा. विजडम इज एन इम्पॉर्टेंट, इज एन एसेंशियल, आई वुड से एट्रीब्यूट, एन ऑर्नामेंट फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट.